हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज 5 जून पर्यावरण दिवस है, तो बस आपसे सभी दोस्तों को, सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी व्यूअर्स को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ पर्यावरण दिवस पर। आज हम वीडियो जल्दी अपलोड नहीं कर पाए दोस्तों, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम में बिजी थे, इसलिए हम आज वीडियो नहीं बना पाए। तो आज शाम के 6 बज चुके दोस्तों, हमने एक रसल वाइपर स्नेक रेस्क्यू किया था कापरौड़ी गांव से। तो यहाँ पर मैं इसको पर्यावरण में आज़ाद करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए लाया हूँ। तो उसको आज़ाद करने से पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ उसको दिखाकर। तो आप उसे ध्यान से देखिए, सबसे जहरीला सांप है भारत में, जो ज़्यादातर पाए जाते हैं नाग, घुनस, मन्यार, फूसे, इन सांपों में जो एक सांप है जो सबसे ज़्यादा जहरीला होता है, रसल वाइपर स्नेक, बहुत ही खतरनाक जहर होता है, हीमोटॉक्सिक नाम का। तो यह सांप मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, पहले भी कई सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, तो अभी हम DSLR कैमरा में ये वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आपको ठीक से दिखा पाए उसकी पर्सनालिटी को, उसको, उसके आकार को। तो कैसे रहता है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों, ये कितना गुस्से में है, कितना आवाज निकाल रहा है, जैसे कुकर की सीटी बजती है उसी तरह वो आवाज निकालता है जब वो गुस्से में आता है। तो दोस्तों देखिए, इसकी गर्दन से लेकर पूंछ तक हमें झालर की तरह गोलाकार काले से चॉकलेटी कलर में धब्बे दिखाई देते हैं। देखिए मुंह, देखिए उसका त्रिकोणीय आकार की तरह होता है, देखिए। और जो धब्बे है उसके बदन पर, गर्दन से लेकर पूंछ तक, वो उसके ऊपर व्हाइट बॉर्डर दिखाई देती है, ठीक है। और वो पूंछ तक मानो जैसे धीमी हुई दिखाई देती है, गर्दन से लेकर पूंछ तक दिखाई देती है, और जैसे जैसे हम पूंछ की तरफ जाएंगे वैसा वो धुंधला धुंधला हुआ, वो जो डॉट है, जो स्पॉट है बड़े से, वो धुंधले धुंधले हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये है रसल वाइपर स्नेक, मैंने अभी भी नाम बताया, रसल वाइपर स्नेक, महाराष्ट्र में इसे घुनस नाम से जानते हैं। दोस्तों देखिए, उसकी पर्सनालिटी को, उसके आकार को बहुत ही अटैक करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त अटैक होता है। तो दोस्तों, इस सांप को कभी बिना स्टिक के हैंडलिंग करने की कोशिश ना करें, ये लिए आपके लिए जानलेवा हो सकता है। अगर आपके इसके बारे में हैंडलिंग सीखा हो तो ही उसको आप पकड़ने की कोशिश करें, अदरवाइज उसको आप हाथ लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, स्प्रिंग बाइट जैसा, एक सेकंड में वो बाइट करके पुनः अपनी जगह पर चला जाता है, इतना अटैक ज़बरदस्त वो करता है। देखिए कितना गुस्से में, कितना कुकर की सिट्टी की तरह वो आवाज़ निकालता है जब गुस्से में आता है। तो दोस्तों, बस सभी सब्सक्राइबर को ये कहना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि बिना जानकारी के, बिना कोई प्रशिक्षण के कोई भी सांप पकड़ने की कोशिश ना करे, वरना ये आपके लिए जानलेवा होगा, आप मारे जाओगे। दोस्तों देखिए कैसा ही सांप है ये, पर्यावरण में इसे बचाए रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हीमोटॉक्सिक नाम का एक जहर है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक जहर होता है ये।
देखिए उसकी पहचान मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक से ध्यान से देखिए। त्रिकोण के आकार की तरह उसका मुंह दिखाई देता है, देखिए। और गर्दन से लेकर पूंछ तक देखिए, काले से धब्बे दिखाई दे रहे हैं, चॉकलेटी काले से ऐसे धब्बे दिखाई दे रहे हैं, और उसके ऊपर व्हाइट बॉर्डर दिखाई दे रही है, देखिए। नीचे से हल्का सा पीला होता है और सफेद दिखाई देता है। दोस्तों देखिए, कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि लोग इसे अजगर समझकर, जो बिना जहर वाला अजगर होता है वो समझकर पकड़ लेते हैं और जान गवा बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने समझा कि ये अजगर है, हम उसको पकड़ लेंगे, बिना जहर वाला है, कुछ नहीं करता, ऐसा समझकर उसको पकड़ लिया और काट लिया और जान गवा बैठे हैं। ऐसे कई किस्से हो चुके हैं दोस्तों, न्यूज़ पर भी कई बार आ चुका है कि अजगर ये रसल वाइपर सांप को, घुनस सांप को अजगर समझकर पकड़ने गए और मारे गए। तो दोस्तों इस वहम में ना रहे, ये अजगर नहीं है। अजगर जैसे दिखता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये अजगर है नहीं। अजगर की जो डिज़ाइन है ऊपर की, इसके जैसा होती नहीं। उसकी जो डिज़ाइन है ऊपर की, इसकी जैसी दिखती है, झालर जैसी गोलाकार दिखाई देती है गर्दन से लेकर पूंछ तक, और अजगर की कैसी होती है, फैली हुई दिखाई देती है, ठीक है। और उसको व्हाइट बॉर्डर नहीं होते, जिससे इसको देखिए व्हाइट बॉर्डर है, ठीक है। दोस्तों काफ़ी खतरनाक अटैक करता है ये, इसलिए मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि बिना ट्रेनिंग के अगर आपको सीखना है, जानना है, तो एक साल इसके बारे में पढ़िए, बुक्स पढ़िए, इंडियन स्नेक बुक पर स्टडी करिए, फिर उसके बाद किसी स्नेक कैचर के पास, सांप पकड़ने वाले पास, किसी संस्था के पास जो वाइल्ड लाइफ का रेस्क्यू करती है, उनके पास इसका ट्रेनिंग लीजिए एक साल के लिए, तब भी आप इन सांपों को पकड़ने की कोशिश करें। अदरवाइज आप इसको पकड़ने की कोशिश ना करें बिना जानकारी के, बिना कोई प्रशिक्षण के। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों मेरा ज़्यादा ध्यान उस पर है, बात करने में नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि अभी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, ठीक है। तो ये काट ना ले, इसलिए जल्दी मैं इसको आज़ाद कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम इसको पर्यावरण में आज़ाद कर देंगे। तो दोस्तों हर रोज की तरह आज भी कहता हूँ, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले इसी तरह स्नेक रेस्क्यू वीडियोस आपको रोज़ रोज़ देखने को मिलते रहेंगे, और दोस्तों इसी तरह सांपों के बारे में जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी।